अलीराजपुर जिले में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए अब रोक टोक अभियान शुरू हो गया है। कलेक्टर शुभी गुप्ता से मिले निर्देश के बाद में कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को समझाइश भी दी जा रही है और चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं अस्थायी जेल भी बनाया गया है, जहां 5 घंटे अस्थायी जेल की हवा खानी होगी अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो। वहीं जोबट तहसीलदार आलोक वर्मा ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कई लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। अनुभाग जोबट अंतर्गत चालानी कार्रवाई के लिए प्रत्येक जगह बोरी, उदयगढ़ और जोबट में 2-2 शिफ्ट लगाई गई, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और 1 बजे से 5 बजे तक उसकी चालानी कार्रवाई के लिए पुलिस एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। उसके द्वारा चालान की राशि वसूली विगत 24 घंटे में 198 लोगों का चालान किया गया है और 9,900 रुपये की राशि वसूली की गई है। बिटवासा जो हायर सेकेंडरी उत्कृष्ट विद्यालय है वहाँ पर अस्थायी जेल की कार्रवाई के लिए लोगों के लिए व्यवस्था की गई है और जो मास्क ना पहन के नियम तोड़ेंगे उनको हम लोग अस्थायी जेल में 5 घंटे के लिए निरुद्ध करेंगे। सर अभी कुछ लोगों को किया है क्या? अभी तक नहीं, अभी नहीं किया गया, आज से कार्रवाई चालू हुई है।